हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज़ व्लॉग नंबर 3 इन द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अदर टू व्लॉग्स, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। सो यहाँ पे हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है फुटेज, काफ़ी मतलब नाइट टाइप है। 5:30 का टाइम है। हम लोगों का प्लान ये है कि हम लोग इंदौर टू गुना नॉन स्टॉप ट्रैवल करेंगे, बिकॉज इंदौर टू गुना 5 घंटे की दूरी पर, और सुबह सुबह सफ़र बहुत ज़्यादा जल्दी कट जाता है, ताकि हम लोगों मतलब टाइम से कानपुर पहुंच सकें। इंदौर टू कानपुर 12 घंटे की जर्नी है बाय रोड, एंड इस जर्नी में आप लोगों को अगर पूरी जर्नी देखनी है सो कीप वॉचिंग द व्लॉग टिल द एंड। हम लोग 11 बजे तक घुना पहुंच गए थे, और यहाँ के व्यूज़ देख के, यहाँ का सीनिक व्यू बहुत अच्छा है। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं पुणे से कानपुर, या फिर इंदौर से कानपुर, या लखनऊ जाने का, सो प्लीज़ एक बार ये रोड ज़रूर ट्राई करिए। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको व्यू देखने को मिल जाता है, सामने पहाड़, और रोड्स जो हैं काफ़ी अच्छी हैं, वेल मेंटेन्ड हैं। और यहाँ पे घुना पे हमें कोई रेस्टोरेंट या ढाबा वगैरह नहीं मिला इस पूरे हाईवे पे, सो हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग शिवपुरी में जाके रुकेंगे। घुना से शिवपुरी 2 घंटे लग जाते हैं आपको जाने में, तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम वहीं जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट होटल से ही, होटल वालों को रिक्वेस्ट करके कि हम लोग सुबह जल्दी निकलेंगे और हमारा ब्रेकफास्ट पैक कर देना, तो उन्होंने आलू के पराठे, दही वगैरह पैक कर दिया था। तो जो हमने शिवपुरी, एक्चुअली पहले ही शिवपुरी से टर्न आता है जो आपको झांसी मोड़ की तरफ लेके जाता है, हमसे वो स्किप हो गया था, तो हम लोग आगे शिवपुरी में अंदर आ गए, सिटी में, सिटी या कस्बा है शिवपुरी, वहाँ पर आ गए। तो वहाँ हमें कोई होटल या रेस्टोरेंट ऐसा दिखा नहीं, तो हमने कार में ही बैठ के, जो सो लंच करने के बाद हम लोगों को शिवपुरी से झांसी हाईवे पकड़ना था। हम लोग गलती से आगे आ गए थे शिवपुरी के अंदर, इसलिए ये थोड़ा सा 20 किलोमीटर्स का एक स्ट्रेच पड़ता है जो आपको झांसी हाईवे तक लिंक कर देगा, बट ये स्ट्रेच जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और सुनसान है, और दोनों साइड थोड़ा जंगल वाइब है, तो थोड़ा सा रिस्की भी है। तो अगर आप गलती से इसी रोड पे आ गए हो हमारे जैसे, तो प्लीज़ ड्राइव करते रहना, कहीं रुकना नहीं इस पे, और इट्स बेटर कि रात में तो आप ऐसे स्ट्रेच पे बिल्कुल भी ड्राइव ही मत करो। जैसे ही आपका वो 20 किलोमीटर्स का स्ट्रेच कंप्लीट होगा, तो आपको ये शिवपुरी झांसी हाईवे मिल जाएगा। ये हाईवे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखेगी, ब्रिज दिखेगा, इसको 3 रिवर ब्रिज कहा जाता है। यहाँ से कंथी, अमोला और मिटलौनी रिवर्स जो हैं वो पास होती हैं इस ब्रिज के नीचे से, बहुत ही सुंदर लगता है ये। और इसको जब ये हाईवे ख़त्म हो जाएगा ना, तो आप झांसी तक मतलब पहुँच जाएंगे।
सो फाइनली आफ्टर 3 डेज ऑफ जर्नी ऑन द 4th डे हम लोग कानपुर पहुंच गए, घर पे पहुंच गए थे हम लोग। और हम लोगों को कितना टाइम लगा, हम 5:30 बजे इंदौर से निकले थे, हम लोग 5:30 बजे पूरे 12 घंटे में हम लोग घर पर थे। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो। थैंक यू, बाय बाय।